कलर में, सुरमई कलर में जूती में कराची फ्रेंड, और ग्रीन और डार्क ग्रीन और व्हाइट सॉक्स में पाकिस्तान इंटरनेशनल लाहौर। रहीम मली न्यूज़ चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और आपके सामने मली न्यूज़ चैनल के सीईओ आदिल इलाही साहब और मास्टर यासर हाजिर है। आज हम कैंट बाज़ार डिग रोड आज़म स्पोर्ट फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद है, और यहां पर एक बहुत ज़बरदस्त एक वेटरन के हवाले से मैच होने जा रहा है, और पाकिस्तान का एक बड़ा नामवर फुटबॉल लवर्स वेटरन का, जिसने वेटरन की टीमों को ज़िंदा किया हुआ है। जब सबसे पहले लाहौर में वेटरन की टीम बनी, उसके बाद अब कराची में भी 10-12 टीमें बन गई हैं, और ये जितने भी पाकिस्तान के नेशनल कलर होल्डर हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा भाईचारा की फिज़ा काम की। अच्छा, इन्होंने एक अज़म किया हुआ है कि जितने भी सबका नेशनल प्लेयर हैं उनकी टीमें तश्कील दी जाएंगी, और इसमें अहम किरदार जो अदा किया है इस वक्त पाकिस्तान में वो हमारे लाहौर से उनका ताल्लुक है, मियाँ बाज साहब, जो कि आल पाकिस्तान वेटरन टूर्नामेंट चलाते हैं। वहाँ चतराल, गिलगित, बल्दिस्तान, पिशावर, हैदराबाद, कराची की टीमें आती हैं, और वहाँ से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो अब पूरे पाकिस्तान में वेटरन की टीमें तश्कील पा गई हैं, और आज हमारे दरमियान ये मियाँ बाज साहब सारी मसलियात छोड़कर पाकिस्तान इंटरनेशनल वेटरन टीम लाहौर की यहाँ लेके आए, टूर पर आए हुए हैं, और आज आज़म स्पोर्ट्स के तमाम इंतजामिया ने, अजमल खट्टक ने, उबैदुल्ला खान ने, और मैंने, और हमारे चैनल के जो साफ़ी अजा थे वो भी आ गए, तो मियाँ साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। और मियाँ साहब को मतलब यहाँ का मौसम भी पाकिस्तान में आपको पता है सर्दी बहुत हो रही है, लेकिन कराची का मौसम सबसे बेहतरीन है, और मियाँ साहब आप पहली दफ़ा हमारे आज़म स्पोर्ट फुटबॉल स्टेडियम में आए, आज़म क्लब का विजिट किया। अब मैं इनसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ वेटरन के हवाले से। मियाँ साहब, आपने शुरू किया ये वेटरन का सिलसिला, पूरे पाकिस्तान में फैल गया, आपका क्या आज़म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आज़म स्पोर्ट्स और सारी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इधर खेलने का, और उन्होंने बड़ा प्यार से प्यार किया, हम आए इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, और रियासत भाई का ये वैसे ही तमाम फुटबॉलर से प्यार करते हैं, और मलीर न्यूज़ का कि उन्होंने ये बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं हमारी, तो यही है। रियासत भाई को फुटबॉल खेल रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, मैंने एक बस सोचा गुलाम सरवर टैडी साहब, हरून यूसुफ साहब और साथ में हमारे और दोस्त हैं कि ये पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल वेटरन प्लेयर हैं जिन्होंने फुटबॉल छोड़ दिया हुआ है, उनको दोबारा ज़िंदा किया जाए, उनको दोबारा ग्राउंड्स में लाया जाए, और उनसे आने वाले बच्चों को कुछ फ़ायदा हो, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा 99 मैच है वेटरन का पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हम खेलते हैं, बड़े बड़े प्लेयर जाते हैं उधर जाके खेलते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको बताते हैं, तो यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के फुटबॉल में फ़रोग हो और पाकिस्तान का नाम हो फुटबॉल में। मतलब मेरा कहने का मकसद ये कि बच्चों को ग्रास रूट के हवाले से ऐसे इनके नेशनल कलर के मैचेस देखेंगे, इनकी टेक्निक अपनाएंगे, और ये नौजवान नस्ल जो है मंशिया जराम से भी दूर रहेगी, उनमें कौमी सोच पैदा होगी, और बाकी जो नेशनल प्लेयर जो जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जब उनको खेलता हुआ देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर सकेंगे। जी जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि हमने खुद इतने इतने प्लेयर जिनका नाम सुना हुआ था लेकिन देखा नहीं हुआ था, अब उनको हम देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो यही है कि जो यंग जनरेशन है वो भी इनको देखे कि ये पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टार हैं, बड़ा पाकिस्तान में नाम है, स्पेशली कराची में बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, कराची तो वैसे ही फुटबॉल का गढ़ है, तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में फुटबॉल जो है ना फ़रोग पाए, और इंशाल्लाह इस कोशिश में हम 7 साल चल रहे हैं, देखिए अल्लाह पाक। बहरहाल मेरी नालिश के मुताबिक मियाँ साहब आपने फुटबॉल की आपकी खिदमत है, और वेटरन के हवाले से जो आप ये कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, अगर इंसान में उमंग हो, हौसला हो, जज्बा तो फकीदुल मिसाल कारनामा सर अंजाम दे सकता है, यू डिज़र्व एप्रिसिएशन, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ऑफ प्रमोशन ऑफ फुटबॉल, थैंक यू, शुक्रिया। वालेकुम, मेरा नाम चौधरी अमजद है और मैं पाकिस्तान वेटरन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे वेटरन के प्लेयर हैं, इनका ताल्लुक सियालकोट से है, महमूद गिल नाम इनका, और डिफेंस के प्लेयर हैं, तो हम लोग कराची आए हुए हैं पाकिस्तान वेटरन की टीम को लेके मियां अब्बास साहब की क़यादत में। मियां अब्बास साहब का जो नाम है वो अब किसी तारुफ का मुताज नहीं, ये वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान में वेटरन को इंट्रोड्यूस किया, और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि मियां अब्बास साहब के प्लेटफॉर्म से हम वेटरन के
प्रमोशन के लिए पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमने अभी तक 98 मैच हम पूरे पाकिस्तान में खेल चुके हैं। तो हम लोग फुटबॉल की प्रमोशन के लिए हर शहर में हर जगह पे जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे वेटरन के प्लेयर हैं 40+, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उनको ग्राउंड में लेके आएँ ताकि प्लेयरों को और उस इलाके के जो वेटरन प्लेयर हैं उन उस इलाके को पता चले कि हमारे ये इलाके का ये हीरो ये प्लेयर जो है इसने अपने इस शहर के लिए इस मुल्क के लिए क्या खिदमत अंजाम दी हैं। तो हमारा ये एक मैसेज होता है वहाँ की यूथ के लिए, जहाँ भी हम जाते हैं कोशिश है कि उनके बगैर किसी ग्रुपबाजी के बगैर किसी सियासत के, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ में हर हमारे मुल्क में हर जगह पे सियासत है। तो हम कहते हैं कम से कम हमारा जो पाकिस्तानी जो वेटरन का जो हमारा है दस्ता इसमें कोई सियासी जो है ना वो ना हो, ये सियासत से पाक हो। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ताला हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मैसेज को और इस वेटरन के प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में फैलाएँ ताकि पाकिस्तान की फुटबॉल की प्रमोशन में हमारी जब तक ये सीनियर, क्योंकि आपको पता है कि घर में जब तक बुज़ुर्ग या सरप्रस्त ना हो तो वो घर नहीं चलता, वीरान हो जाता है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत लेजेंड प्लेयर हैं, बहुत बहुत बड़े नाम हैं, तो जब तक ये लोग ये नाम फेडरेशन में या फुटबॉल में नहीं आएंगे तो हमारी फुटबॉल कभी भी तरक्की नहीं करेगी। सर ये पाकिस्तान का जो सियासी है ये हमारा वेटरन का ये भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम उनको मैसेज देते हैं कि खुदा रहा आप अपने आप को देखें, आप ये इस मुल्क को देखें कहाँ पहुँचा दिया, क्योंकि सियासत को एक साइड पर रख के एक दफ़ा इकट्ठी हों मुल्क के लिए और इस मुल्क को इसका नाम रोशन करें। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे हमारा मुल्क कभी फुटबॉल में तरक्की नहीं कर सकेगा। हमारा ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, आप देखें फुटबॉल बिल्कुल डेड हो चुका है, और आपको ये भी देख लें कि अभी मुल्क में ये वेटरन के प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे हैं, जो असल प्रोग्राम जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न पंजाब या सिंध या हमारे ये प्रोविंस लेवल के वो होने चाहिए ताकि हमारे नए नए प्लेयर नए नए चेहरे ऊपर आएँ, लेकिन कोई माहौल नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। ये जितनी फंडिंग हो रही है जितने ये सारी सियासत की नज़र हो रही है। हमारी ये ख्वाहिश है जल्द से जल्द ये जो फीफा है ये पाकिस्तान में इलेक्शन कराए ताकि एक मुनज़्ज़म और अच्छे और काबिल लोग लायक लोग और ज़्यादातर फुटबॉलर मैं कहता हूँ कि फुटबॉलर लोगों को लेके आएँ, वही लोग आएंगे तो फिर ही फुटबॉल तरक्की करेगा। मेरा नाम मून महमूद गिल है, सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का, और वेटरन्स के प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरे पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि हम पुराने जितने प्लेयर्स हैं हमारे जो सुपरस्टार्स हैं उन सबको हम एक जगह पर बिला सियासत हम इकट्ठा करें, और इसी बहाने हमारे दोस्तों से हमारी मुलाकात हो जाती है। जैसे हम मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे होकर पाकिस्तान वेटरन्स बतौर पाकिस्तान वेटरन्स हम यहाँ पर टीम लेके आए हैं कराची में, डिफरेंट जो हमारे एरियाज़ हैं, जैसे हमने लास्ट पहला मैच खेला मलीर कैंट में, दूसरा मैच हमने कल खेला है न्यू नाजमाबाद में, आज हम ड्रिक ग्राउंड की आज़म स्पोर्ट्स की ग्राउंड में हम इस वक्त खड़े हैं, और कल इंशाल्लाह हम KPT में हमारा मैच होगा। तो इस तरह से हमारे जो पुराने दोस्त हैं उनसे मिलने का हमें मौका मिल जाता है, और बिला सियासत हम इस चीज़ को ये एक मैसेज भी देना चाहते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को और वहाँ पर जितने भी अहदे दौरान बैठे हैं उन सबको, NC जो इस वक्त बैठी है उन सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बाखुदा पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस करवा के फुटबॉल को रिलीज़ किया जाए अवाम के लिए। थैंक यू सर। वालेकुम, मैं मोहम्मद नदीम बलोच डिस्ट्रिक्ट मलीर से, ये हम आ जाए आज़म की ग्राउंड पे, हमारा मैच है पाकिस्तान इंटरनेशनल लाहौर से, मियां साहब की क़यादत में टीम आई है, ये वेटरन हमने जो है स्टार्ट करवाई है इसलिए कि हमारे पुराने लेजेंड जितने भी प्लेयर हैं और माशाल्लाह जो है अपनी फिटनेस में भरपूर अंदाज पे जो है खेलते हैं माशाल्लाह, और उनकी फिटनेस भी सही रहती है, बीमारियों से भी दूर रहते हैं माशाल्लाह। स्पोर्ट्स का एक ही फ़ायदा होता है कि भाईचारगी और मुलाकात होती है एक दूसरे से, और स्पोर्ट्स का मेन मकसद यही है, भाईचारगी और मुलाकात होती है एक दूसरे से जो है जान पहचान होती है, और ये अच्छी चीज़ है। इन हालातों में भी ये जो है वक्त निकालते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ जो है फुटबॉल खेलने आते हैं, और हम तहे दिल से जो है मलीर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें इतना जो है वक्त देते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे जो है मैच रिकॉर्ड करने आए, और हम इनका जो है तहे दिल से कुछ शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम।